स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट हेल्दी होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो आपने थंबनेल देखा होगा कि पप्पी की हेल्थ कैसी थी और कुछ दिन बाद उसकी हेल्थ कैसी हो गई है, तो आप सभी को पता है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ में बताया और बहुत सारी ऐसे मैं आपको कमेंट्स करके भी बताता हूँ, बहुत सारे रिप्लाई भी देता हूँ कि आप जब भी नया पप्पी लाए एटलीस्ट उसको 30 डेज के बाद ही आप जरूर से लेके आना, और उसके बाद जो घर आने के बाद 2 या 4 दिन बाद उसका वैक्सीनेशन प्रॉपरली आपको करना है। उसके साथ साथ उसकी फाइल भी आपको रखनी है, कब उसको दवाई दी है कब नहीं है दी है उसके बारे में सब कुछ फाइल में अंदर लिखा होना चाहिए। चाहे आपको दवाई की चिट्ठी क्यों ना दी हो वो भी उस फाइल में आपको जरूर से रखनी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नया नया पप्पी लाते हैं, बहुत सारा खर्च करते हैं, जैसे 25,000 50,000 कोई कोई 1,00,000 रुपये तक का भी पप्पी लाता है, जब जिसका जिसका जितना बजट है उतना वो लाते पप्पी। उसके बाद वो क्या करते हैं कि बस 500 रुपये के लिए देखते हैं, जैसे कि पप्पी की हेल्थ चेक नहीं करते बराबर, डॉक्टर से वैक्सीनेशन नहीं करवाते डॉक्टर को, खाली फ़ोन पे किसी और बंदे से राय ले लेते हैं कि उन्हें लाया तो मेरे डॉग को कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपके पास जो ब्रीड है वो अलग अलग कैटेगरी की ब्रीड आती है, और जो आप कंपेयर किससे करते हो स्ट्रीट डॉग से, स्ट्रीट डॉग की जो इम्यूनिटी ताकत है मतलब इम्यूनिटी शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अच्छे से सर्वाइव कर लेता है इन्वायरमेंट में, और वो लोकल डॉग ब्रीड है इसलिए वो अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। आपका डॉग इतना नहीं कर पाता इसलिए आपके डॉग को वैक्सीनेशन की सख्त जरूरत होती है। मैंने ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर से देखना, ऊपर आई बटन में दे दूंगा। मैं जो डॉग को मैं वैक्सीनेशन करवाने गया था तभी मैंने ये केस देखा था, वहाँ पे हॉस्पिटल में ब्लॉग आया था, तो अभी देख सकते हैं आप जो उसकी वीडियो आप मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी ये जो है इसके ऊपर बाटले यानी सलाइन चल रही है इसको, और ये दूसरी जगह ट्रीटमेंट चालू था और यहाँ पे अभी ये डॉक्टर के पास लेके आया ये बंदा, और इसका आज फर्स्ट डे है और इसको पारू वायरस हो चुका है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी आपके डॉग का आप नया लेके आते तो प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं, नहीं तो देख सकते आप कैसी बुरी हालत होती है। ये क्या बाहर का इन्फेक्शन लग जाता है, जैसे कि आप बाहर ले जाते हो डॉग को, कोई किसी और को डॉग को पारू वायरस हो गया उससे अगर ये डॉग ब्रीड मिलता है, तो ऐसी सारी कंडीशन होती है। तो इसका भी यार फर्स्ट डे, और ये अभी आपको श्योर आपको बता भी नहीं सकता कि बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके साथ साथ मैंने डॉग का वैक्सीनेशन किया उसकी भी मैंने वीडियो शूट करके रखी ताकि आपको पता चले कि ये जो है ईयरली वैक्सीनेशन लगते हैं। अगर आपका पप्पी न्यू है तो आपको जो है 4 या 3 इंजेक्शन लग सकते हैं। इनका प्राइस मैं आपको आगे बता देता हूँ। और आपको बता दूं जैसे कि अगर किसी डॉग को पारो वायरस या डिस्टेंपर हो तो आप उस अपने डॉग को उसके दूरी रखिएगा जितना हो सके उतना, और जब भी आप हॉस्पिटल से घर जाते हो तो उसके हाथ पाँव जरूर से साफ करिएगा। देख सकते हैं ये जो है वैक्सीनेशन की 2 बॉटल है और इसको अभी वैक्सीनेशन लग जाएगा, और ये वैक्सीन जो है एक पीछे देंगे और एक आगे देंगे ताकि एक जगह पे थोड़ा बहुत कभी कभार डॉग को सूजन वगैरह हो जाता है उसके लिए। तो आप देख सकते हैं मैक्स को कुछ ही दर्द नहीं होता, ये हमेशा इंजेक्शन चुपचाप ले लेता है तो ज़्यादा परेशान नहीं करता, और ये साल में इसको मैं ज़रूर से लगवा देता हूँ। अभी 2 दिन बाकी, उससे पहले मैंने जो है यहाँ पे लगवा लिए इंजेक्शन। 800 रुपये के इंजेक्शन लग चुके हैं 2 इंजेक्शन, इसके साथ साथ जो है स्किन इन्फेक्शन के 2 इंजेक्शन लगवा लिए थे क्योंकि उसको थोड़ा बहुत स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, तो एलर्जी उसको खुजली ना हो और वो ज़्यादा ना बढ़े इसलिए वो 2 इंजेक्शन भी लगवाए। आप ब्लॉग में जाके देख सकते हो कौन कौन सी दवाई दी है, वो भी आप मैं ब्लॉग के अंदर बताइए, न्यू वीडियो डाली है कल ही डाली मैंने, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। और जो पपीज के लिए जो इंजेक्शन लगते हैं उसका जो 300-350 रुपये प्राइस होता है, 3 या 4 इंजेक्शन लगते हैं उसमें रेबीज का आता है, पूरे टोटल जितने भी वायरसेस आता है उस सब का जो है इंजेक्शन उसमें लग सकता है। तो जो कोरोना का इंजेक्शन भी आपको लगवाना है तो वो भी रेडी है, उसका प्राइस कुछ 500-550 रुपीज के आसपास है, तो आप वो भी लगवा सकते हैं। मैंने तो नहीं लगवाया क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है डॉग के अंदर इतना नहीं है, तो वो अगर बीमारी आती है तो आप लगवा सकते हैं और वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको लगवाना है तो लगवा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगवा सकते, और फिर आप डॉक्टर की राय भी ले सकते हैं। तो गाइस आपने देखा होगा कि ज़रूर से वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर से अपने डॉग को वैक्सीन कीजिएगा, वैक्सीनेट कीजिएगा, और साथ साथ में उसको डिवॉर्मिंग भी टाइम टू टाइम जरूर कीजिएगा नए पप्पी का, और नए पप्पी को क्या क्या खाने को तो उसके लिए भी वीडियो बना के रखी, तो वो भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।